मीडिया संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान प्रसाद सोनी ने आदेशानुसार सिवनी जिला के धनोरा तहसील स्तर में संगठन को मजबूत करने और एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए सिवनी जिला के मीडिया संगठन मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष द्वारा तहसील स्तर में कार्यक्रम किया गया, जिसमें मीडिया संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान प्रसाद मोती ने जानकारी में बताया है कि सिवनी जिला की जनपद पंचायत धनोरा में मीडिया संगठन मध्य प्रदेश के द्वारा एक पेड़ मां के नाम वाला कार्यक्रम आयोजित किया गया और पेड़ पौधे लगाए गए एवं पेड़ पौधे लगाने के बाद उनका रखरखाव और देखरेख का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में सिवनी जिला अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल, सिवनी जिला महासचिव मुकेश साहू, संभागीय मीडिया प्रभारी बबलेश टेहरिया, जिला उपाध्यक्ष राम नरेश पटेल, ईश्वर दीक्षित, नेहा नंदोरी, लखनादौन ब्लॉक अध्यक्ष मनोज उमरे, घनसोर ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष मुरलीधर दुबे, बिरन डोंगरे एवं वीरेंद्र नाग, सभी मीडिया के पदाधिकारी और सदस्यों ने तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय, धनोरा थाना परिसर, धनोरा स्वास्थ्य केंद्र में एक पेड़ लगाए। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। धनोरा तहसीलदार अखिलेश कुशराम, धनोरा बीएमओ रामचंद प्रसाद, धनोरा जनपद पंचायत एपीओ भूपेंद्र राजपूत, धनोरा थाना से मेजर दशरथ धुर्वे, धनोरा कार्यक्रम में मीडिया संगठन के कार्यों से प्रभावित होकर नए पत्रकार साथियों ने भी मीडिया संगठन की सदस्यता ली और नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सिवनी जिला में धनोरा तहसील में मीडिया संगठन मध्य प्रदेश के पदाधिकारी अध्यक्ष राम कुमार रजक, उपाध्यक्ष केशव राय, उपाध्यक्ष राकेश बंजकार, महासचिव पवन अहिरवार, मीडिया प्रभारी नरेंद्र कुमरे नियुक्त किए गए। सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश मीडिया संगठन को सामुदायिक स्वास्थ्य धनोरा परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनोरा के परिसर में एक पेड़ मां के नाम के तहत अभियान के तहत एक वृक्ष का जो है वृक्षारोपण किया हुआ है। भारत सरकार द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया है एक पेड़ मां के नाम, तो उसी कार्यक्रम के दौरान सभी जिले भर के पत्रकार बंधु यहाँ आए जनपद पंचायत धनोरा में और उन्होंने यहाँ जनपद प्रांगण में एक वृक्षारोपण भी किया है। मध्य प्रदेश मीडिया संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जी जो गया प्रसाद जी हैं उनके आदेश अनुसार सभी तहसीलों में एक पेड़ जो मां के नाम पे अभियान चल रहा है, लेकिन हमने एक पेड़ भारत माता के नाम पे लगाया है और हम सभी मीडिया संगठन में धनोरा थाने में आज आए थे, स्टाफों ने सभी ने सहयोग किया और हमने एक पेड़ भारत माता के नाम पे लगाया है। देखिए, हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम इसका शुभारंभ किया। दुनिया में लोग माँ से अधिक किसी और से प्यार नहीं करते, और जब हम एक पेड़ तो हम बहुत लगाते हैं लेकिन उसकी रक्षा सुरक्षा हम नहीं कर पाते। एक विचार देश के प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया, वो विगत दिनों उनकी माँ का स्वर्गवास हुआ, उन्होंने अपनी माँ के नाम से इस पेड़ का प्रारंभ इसलिए किया कि व्यक्ति जब माँ के नाम से पेड़ लगाएगा तो उसकी सुरक्षा जरूर करेगा, क्योंकि वहाँ उसको अपनी माँ का ध्यान जरूर जाएगा। और इससे अभियान में मैं बड़ा हर्ष के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर शासन प्रशासन तो अपनी ओर से लगा रहा है, लेकिन विभिन्न संगठन जैसे आज पत्रकार बंधु को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिला संघ ने आकर के आज तहसील परिसर में पौधा लगाया। इस अभियान के माध्यम से हम प्रकृति की और पौधा और वृक्षों की रक्षा करेंगे, क्योंकि प्रकृति की रक्षा में वृक्षों का बड़ा योगदान है। वृक्ष पुत्र के समान होता है और इनसे हम प्रकृति की रक्षा करते हैं। प्रकृति की जब रक्षा हम करेंगे, पौधों की जब हम रक्षा करेंगे, वायुमंडल में हमारा जो वातावरण कई बार दूषित होता, कई बार वातावरण जो आप देख रहे हैं बाढ़ के स्थितियां निर्मित होती है, जंगलों के कटने से होती है, इनको रोकने के लिए पौधा बहुत आवश्यक है। और शासन की यह बहुत अच्छी योजना है जिसमें सब वर्ग ने इसमें बड़ी भागीदारी से इस काम को किया है, और आज आप सबने भी यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज की। मैं इन पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि अपने चलते कार्यों के साथ आप लोगों ने इस अभियान को यहाँ पर संपादित किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, तहसील परिसर के भीतर पत्रकार संघ जिला सिवनी के मीडिया संघ के द्वारा चंपा का पेड़ तहसील परिसर में लगाया गया है, और जो शासन की योजना चल रही है, अभियान चल रहा है कुल मिला के एक माँ के लिए पेड़ माँ के नाम, उसके अंतर्गत ये पौधारोपण किया गया। NBC न्यूज के लिए चौरी से राजेश उइके की रिपोर्ट।